दोस्तों, नेपोलियन की इस प्रेम कहानी में कल रात हमने आपको बताया था कि जब नेपोलियन को अपनी बीवी की बेवफाई के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह टूट गया। लेकिन वो जोसफीन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे कुछ शर्तों के साथ माफ कर दिया। आखिर क्या थी वो शर्तें, आइए जानते हैं। नेपोलियन जोसफीन से कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उसकी बेवफाई नेपोलियन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वो जोसफीन को समझाएंगे, इसलिए उन्होंने जोसफीन को एक पत्र लिखकर उन्हें युद्ध क्षेत्र में बुलावा भेजा। पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो तैयार हो गई। असल में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शायद इसलिए ही वो अपने साथ अपने प्रेमी चार्ल्स को छुपा कर नेपोलियन के पास लेकर आई थी। हालांकि वो सफल नहीं हो सकी। चार्ल्स पकड़ा गया और नेपोलियन ने उसे मारने का हुक्म दे दिया। चार्ल्स के पकड़े जाने पर पहले तो वो शांत रही, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सच में नेपोलियन के लोग चार्ल्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एकदम से नेपोलियन के पैरों पर गिरकर चार्ल्स की जान की भीख मांगने लगी। पत्नी को इस तरह देखकर नेपोलियन का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे जिंदा छोड़ते हुए पेरिस भेज दिया। जोसफीन ने नेपोलियन से वादा किया कि अब वो कभी चार्ल्स से नहीं मिलेंगी। उसके बाद वो दिखावे के लिए नेपोलियन से ढेर सारा प्यार जताती रही। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चलता रहा। नेपोलियन को यकीन हो गया कि जोसफीन को अपनी गलती का एहसास है। अब वो सिर्फ उनसे प्यार करती हैं, पर नेपोलियन गलत थे। थोड़े ही समय में जोसफीन ने अपना पुराना रंग दिखाया। नेपोलियन युद्ध के लिए मिस्र गए तो जोसफीन ने फिर से चार्ल्स को अपने महल में बुलवा लिया। इस बार नेपोलियन के भाई जोसेफ ने दोनों को रंगे हाथ महल में पकड़ लिया था। दोस्तों, अपने दुश्मनों और गद्दारों को कठोर यातनाएं देने के मामले में कुख्यात नेपोलियन ने अपनी बेवफा बीवी को उनकी बेवफाई का ऐसा इनाम दिया जिसकी उम्मीद कम से कम नेपोलियन जैसे क्रूर शख्स से तो नहीं की जा सकती थी। बेवफा बीवी को इनाम देकर नेपोलियन ने साबित कर दिया कि प्रेम के मामले में बड़ा से बड़ा तीस मार खान भी पस्त हो जाता है। आखिर क्या था ये इनाम, ये हम आपको बताएंगे कल रात 9 बजे।